Hello friends, I am Nirandan Yadav. I deliver a lecture on the topic of insect pest of sugarcane. First of all, we discuss about the term of insect pest. हम जानेंगे कि इंसेक्ट पेस्ट होते क्या हैं, तो सबसे पहले हमें इंसेक्ट पेस्ट की डेफिनेशन को ही समझना होगा। तो वे इंसेक्ट जो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को क्या करे, कम कर दे, या क्रॉप की क्वालिटी और क्वांटिटी को कम कर दे, उसको क्या कहेंगे, इंसेक्ट पेस्ट कहेंगे। वैसे इंसेक्ट हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। अगर इंसेक्ट ना होते तो क्या होता, अगर इंसेक्ट ना होते तो हमें क्या होता है, हनी नहीं मिलती, शहद नहीं मिलता, और हमें सिल्क नहीं मिलते, या हम कहें तो पोलिनेशन नहीं हो रहा होता। पोलिनेशन हो रहा होता, लेकिन पोलिनेशन की दर में क्या होती, पोलिनेशन की रेट में हमें क्या मिलती, कमी मिलती। तो ये सभी हमारे लिए क्या है, बेनिफिशियल है, परंतु इन सब चीज के बावजूद कुछ नुकसान भी है। वो नुकसान क्या है, वो नुकसान हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे कि वो नुकसान क्या है। पिछली बार मैंने एक वीडियो बनाया था जो किसके ऊपर था, इंसेक्ट पेस्ट ऑफ सुगर केन, जो सुगर केन को ऐसे इंसेक्ट जो सुगर केन की प्रोडक्टिविटी को कम कराते हैं, उसके बारे में मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि उनके साइंटिफिक नेम कैसे याद करेंगे। उन्हीं में से एक है पाइला पर्पुसिला, क्या नाम है, पाइला पर्पुसिला। उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि ये ऐसी क्या चीज है, पाइला पर्पुसिला क्यों सुगर केन के पास जाता है, वहां पे अपनी लाइफ साइकिल क्यों कंप्लीट करता है, और वहीं पे रहना क्यों पसंद करता है। जो पाइला पर्पुसिला है, ये क्या है, एक पेस्ट का काम करता है, और ये किसके पास जाएगा, सुगर केन के पास जाता है, और वहां से अपना फूड मटेरियल लेता है। और जबकि नुकसान किसके लिए, सुगर केन के लिए, सुगर की जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या करते हैं, गिर जाती है। इसका तो फायदा है, लेकिन सुगर केन का क्या है, नुकसान है। तो इसी के बारे में आज हम पाइला पर्पुसिला के बारे में पढ़ेंगे, और इसके क्या क्या नुकसान है, और इसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे, इन सभी चीजें के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पाइला पर्पुसिला की जब भी क्लासिफिकेशन क्या है, मतलब बायोलॉजी जो जूलॉजिस्ट है, इन्होंने पाइला पर्पुसिला को कैसे क्लासीफाई किया है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, जब क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं किंगडम। क्या पढ़ते हैं, किंगडम। तो किंगडम में ये सबसे पहले एनिमेलिया कैटेगरी में रखा गया है। किसमें रखा गया है, एनिमेलिया। किसमें रखा गया है, एनिमेलिया। जो फाइलम है वो इसका क्या है, ऑर्थोपोडा। क्या है, ऑर्थोपोडा। और कौन सी क्लास में रखा गया है, इसको रखा गया है इंसेक्टा क्लास में। जो पाइला पर्पुसिला है, इसको कौन सी क्लास में रखा गया है, इंसेक्टा क्लास में पाइला पर्पुसिला को रखा गया है। कौन से ऑर्डर में रखा गया है, इसको हेमिपटेरा। किस में रखा गया है, हेमिपटेरा। इसकी फैमिली क्या है, इसकी फैमिली पल्गोरुडी। इसकी क्या है, फैमिली है। इसकी क्लासिफिकेशन याद कर लेना, आसानी से याद हो जाएगी। किंगडम क्या है इसका, एनिमेलिया। फाइलम क्या है, ऑर्थोपोडा। क्लास इंसेक्टा। ऑर्डर हेमिपटेरा। फैमिली पल्गोरुडी। क्लासिफिकेशन हो जाएगा याद। आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम क्या करेंगे, इसका डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। अब हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। जो पाइला पर्पुसिला है, ये इंडिया के सभी क्षेत्रों में पाया जाता है, लेकिन ये कौन कौन से मेन क्षेत्र में पाया जाता है, तो आप जानते हैं कि सुगर केन किस राज्य में सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो आप बोलोगे उत्तर प्रदेश। तो ये मेनली जो पाइला पर्पुसिला है, वो उत्तर प्रदेश के सुगर केन के ऊपर ज्यादा प्रभावित करता है। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन में पाइला पर्पुसिला है, तो ये मेनली कहाँ पे पाया जाएगा, ये उत्तर प्रदेश में ये पाया जाएगा। हम क्या कहेंगे, यूपी कहेंगे। क्या कहेंगे, यूपी। और दूसरा क्या हो जाएगा, एमपी, मध्य प्रदेश। और तीसरा क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। तो सुगर केन सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, यूपी में होता है। तो क्या हो जाएगा, पाइला पर्पुसिला कहाँ पे जाएगा, यूपी के सुगर केन के ऊपर ज्यादा जाएगा। और ये एमपी में, मध्य प्रदेश में भी पाया जाता है, और किसमें पाया जाएगा, महाराष्ट्र में पाया जाएगा। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन में क्या कहना है, यूपी, एमपी और महाराष्ट्र। इसका क्या कहना है, जनरल अपीयरेंस। जनरल अपीयरेंस का मतलब इसकी जनरल, इसके अंदर देखेंगे तो इसके अंदर क्या हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो हमें जब भी इसको देखते हैं, तो इसकी हमें सबसे पहले क्या दिखाई देता है, लेंथ दिखाई देती है। तो इसकी लेंथ कितनी होगी, तो लेंथ क्या दिखाई देगी, इसकी जनरल इंफॉर्मेशन कह लो या अपीयरेंस कह लो, जनरल इंफॉर्मेशन। तो हमें ये क्या दिखेगा, 8 से 10
mm, इसे हमें क्या मिलेगा, लेंथ, लेंथ हमें दिखाई देगी 8 से 10 mm क्या हो जाएगी इसकी लेंथ हो जाएगी इसका। अब इसकी तो क्या होगी लंबाई होगी, अब इसका कलर होगा, अब ये कलर इसका क्या होगा, इसका कलर होगा जो इसका स्ट्रॉ कलर होगा, स्ट्रॉ कलर। अब पूछोगे स्ट्रॉ कलर क्या होता है, जो भूसा होता है, जो भूसे का जो कलर होता है, भूसे का जो कलर होता है उसको स्ट्रॉ कलर कहते हैं। अगर भूसा अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप जो गोल्ड होता है, जो गोल्ड का जो लाइट कलर होता है, गोल्ड का लाइट कलर को हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉ कलर कहते हैं। इसके अंदर टू पेयर्स विंग्स पाए जाते हैं, क्या पाए जाती है, टू पेयर्स विंग्स, यहाँ पे इसके अंदर चार विंग्स पाए जाती है जो फोल्डेड होती है। अब देखो इसी जनरल इंफॉर्मेशन हमें पता लग गया कि इसकी लेंथ कितनी है और इसके अंदर इसकी लेंथ कितनी है और इसका कलर क्या है और इसके अंदर विंग्स किस प्रकार है। अब हम देखते हैं कि अब ये जो पहला परपुशिला है ये क्या करते हैं, किस प्लांट के ऊपर जाकर इन्फेक्ट करते हैं। तो जो ये जिस प्लांट पर जाएंगे तो इसके लिए तो वो प्लांट क्या है, फूड है। तो फूड प्लांट कौन कौन से है, क्या है, फूड प्लांट कौन कौन से हैं, फूड प्लांट। अब पाइला परपुशिला के लिए फूड प्लांट कौन कौन से है, अब देखो सबसे पहले सुगर केन, सबसे पहले क्या है, सुगर केन, सबसे पहले क्या है, सुगर केन। ताकि ये जाना है किसके लिए जाता है, सुगर केन के लिए। अगर बाई चांस सुगर केन ना मिले तो ये मरेगा तो है नहीं, ये किसके ऊपर जाएगा, अब ये चला जाएगा वीट के ऊपर, किसके ऊपर चला जाएगा, वीट, गेहूं हो गया। दूसरा हम क्या कहेंगे, बार्ले, बार्ले हो गया, बाजरा हो गया, मेज हो गया। तो ये क्या करेगा, ये अपने आप को सर्वाइव करने के लिए अगर सुगर केन नहीं मिला तो दूसरे जो क्रॉप होता है उसके ऊपर जाएगा और वो अपने आप को अब वहां से क्या लेगा, अपना फूड ले लेगा, बेशक अगले का कुछ भी हो इसको कोई अफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इसके लिए फूड प्लांट कौन कौन से हैं, इसके लिए फूड प्लांट क्या है, सुगर केन, वीट, बार्ले, बाजरा, मेज एक्सेट्रा, फूड प्लांट आया समझ में। अभी तक क्या पढ़ा, अभी तक पहला परपुशिला की क्लासिफिकेशन को पढ़ चुके हैं, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ चुके हैं, जनरल अपीयरेंस पढ़ चुके हैं और अब फूड प्लांट भी पढ़ चुके हैं। अब इसकी हैबिट्स, तो इसकी हैबिट्स क्या है, तो पहला परपुशिला की जब लाइफ साइकिल जब अध्ययन करेंगे तो उसमें एक स्टेज आएगी जिसका नाम होगा निम्फ, और जब निम्फ ग्रो करेगा तब होगा एडल्ट। तो सबसे पहले जो निम्फ है और एडल्ट है, जो निम्फ स्टेज है और जो एडल्ट स्टेज है, क्या है, एडल्ट स्टेज है, ये जो सुगर केन का जो लीफ होगा उसके अंदर, जो लीफ के अंदर सेल्स होंगे, उस सेल्स के अंदर क्या होगा, सेल सैप होगा, मतलब कहेंगे न्यूट्रिएंट होगा। तो जो निम्फ स्टेज होती है और जो एडल्ट स्टेज होती है किसकी, पाइला परपुशिला की, अब वो वहां से क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। निम्फ और एडल्ट स्टेज पाइला परपुशिला की, ये जो सुगर केन की लीफ है, क्या है, सुगर केन की जो लीफ है वहां से क्या एब्जॉर्ब करेंगे, सेल सैप को एब्जॉर्ब करेंगे, क्या करेंगे, एब्जॉर्ब सेल सैप, क्या करेंगे, सेल सैप। सेल सैप का मतलब होता है सेल के अंदर जो न्यूट्रिएंट होगा उसको कौन एब्जॉर्ब करेगा, निम्फ और एडल्ट स्टेज किसकी, पाइला परपुशिला की। पाइला परपुशिला की जो निम्फ और एडल्ट स्टेज है वो एब्जॉर्ब करेगी सेल सैप, कहां से, सुगर केन की लीफ से। दूसरी बात, जो सुगर केन, जो पाइला परपुशिला, जो फीमेल पाइला परपुशिला, ये क्या करेगी, एग देगी, ये क्या देगी, एग देगी, वो भी एग कौन सा देगी, फर्टिलाइज एग देगी। वो कौन से महीने में देती है, तो उसको याद रखने के लिए आपको याद रखना है ए एम ऑन, क्या याद रखना है, ए एम ऑन। AM से क्या होता है, समय होता है, AM PM, वहां से क्या रखना है, AM ऑन ऑफ, क्या होता है, ऑन ऑफ, क्या होता है, ऑन ऑफ, वहां से क्या रखना है, ऑन ए से क्या रखना है, ए से याद रखना है अप्रैल, ए से क्या रखना है, अप्रैल याद रखना है, और एम से क्या रखना है, मई, अप्रैल, ए से अप्रैल, एम से मई, ओ से अक्टूबर, ओ से अक्टूबर, एन से नवंबर, हो जाएगा यार। क्या है, जो फीमेल जो पहला परपुशिला है वो फर्टिलाइज एग देगी, कौन से महीने में देगी, उसको याद रखने के लिए कैसे याद रखना, एम ऑन,
एएमपीएम, एएमपीएम मतलब समय, ऑन ऑफ बंद होना और चालू करना, तो वहां से ऑन याद रखना। ए से अप्रैल, एम से मई, ओ से अक्टूबर, एन से नवंबर। जो ये वाला जो समय होता है वो गर्मियों का समय होता है। ये क्या होता है? गर्मियों का समय होता है। और ये क्या होता है? सर्दियों का समय होता है। ये समर सीजन और ये क्या हो गया? विंटर सीजन। ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? हमने इसकी क्या कर ली? पहला पर्पस ला की हैबिट्स भी कर। अब जो इसका जो मेन रीजन है, अब क्या है? लाइफ साइकिल ऑफ पायरिला पर्पुसिला। लाइफ साइकिल ऑफ पायरिला पर्पुसिला, तो इसके लाइफ साइकिल में क्या चीजें हैं? सबसे पहले तो इसका मेल क्या है? मेल, मेल पायरिला पर्पुसिला, और क्या होगा? फीमेल पायरिला पर्पुसिला। सबसे पहले क्या होगी? इनकी मेटिंग होगी। क्या होगी? मेटिंग होगी। तो जब भी मेटिंग होगी तो ये मेल, मेल क्या करेगा? मेल मेट करेगा फीमेल के साथ में, तो मेल क्या प्रोड्यूस करेगा? मेल स्पर्म प्रोड्यूस करेगा, और फीमेल क्या प्रोड्यूस करेगी? एग प्रोड्यूस करेगी। जब इन दोनों का क्या हो जाएगा? फर्टिलाइज हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन क्या होगा? इंटरनल होगा, मतलब फीमेल बॉडी के अंदर होगा। लेकिन जो पायरिला पर्पुसिला है ओविपेरस है, ये क्या करते हैं? फर्टिलाइज एग प्रोड्यूस करते हैं। तो जो मेल है, मेल क्या प्रोड्यूस करेगा? स्पर्म प्रोड्यूस करेगा, फीमेल के पास आएगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो फर्टिलाइजेशन, जो फर्टिलाइज एग है, अभी तक फीमेल के अंदर है, और वो क्या करेगी? वो अप्रैल या मई के सीजन में, या हम कहें कि ठंड के दिनों में, अक्टूबर और नवंबर के सीजन में ये क्या प्रोड्यूस करेगी? ये फर्टिलाइज एग प्रोड्यूस करेगी। क्या प्रोड्यूस करेगी? फर्टिलाइज एग। और जो इनकी जो संख्या होगी वो कितनी होगी? 300 से 500 होगी। इनकी संख्या कितनी होगी? 300 से 500 इनकी क्या होगी? संख्या होगी। जो फीमेल है, जो फीमेल है, उसने कितने एग प्रोड्यूस किए हैं? फर्टिलाइज एग 300 से 500 एग प्रोड्यूस किए हैं। अब जो ठंड के दिन होते हैं, ठंड के दिनों में, या हम कहें गर्मियों के दिनों में, जो गर्मी के दिनों में जो सुगर केन की जो लोअर सरफेस की जो लीफ होती है, वहां पे फर्टिलाइज एग प्रोड्यूस किए जाते हैं। क्योंकि उस समय एनवायरमेंटल इतनी कोई स्ट्रेस नहीं होता, एनवायरमेंट में स्ट्रेस नहीं होता, तो इसी प्रकार वो सुगर केन के लोअर सरफेस के ऊपर ये आ जाते हैं, मतलब प्रोड्यूस कर, फीमेल प्रोड्यूस कर देती है। अगर अगर ठंड के दिनों में होते हैं, ठंड के दिनों में जो लीफ की शीत होती है उसके अंदर ये क्या करते हैं? फीमेल प्रोड्यूस करती है, ताकि एनवायरमेंट में, एनवायरमेंट से इनको क्या मिले? सुरक्षा मिले, सेफ्टी हो। इसके अलावा जो फीमेल है, फीमेल क्या प्रोड्यूस करती है? एक व्हाइट फिलामेंटस प्रोड्यूस करती है, जो फर्टिलाइज एग के चारों तरफ होता है। जो फीमेल है वो क्या करेगी? चारों तरफ, किसके चारों तरफ? जो फर्टिलाइज एग है उसके चारों तरफ एक व्हाइट फिलामेंट प्रोड्यूस करती है, ताकि जो ये एग है वो प्रीडेटर से भी सेफ रहे। जो एनवायरनमेंट में कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जिससे ये क्या हो जाए, ये खतरनाक स्थिति में ना पहुंचे, इसीलिए जो इसके चारों तरफ जो फीमेल है वो क्या प्रोड्यूस कर देती है? एक व्हाइट फिलामेंटस प्रोड्यूस कर देती है। जो फर्टिलाइज एग होते हैं, इसके अंदर जब ये फर्टिलाइज हो गए तो इसके अंदर एक एम्ब्रोय का निर्माण होता है, एम्ब्रोय बनता है, और वही एम्ब्रोय आगे एक पायरिला पर्पुसिला बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे फर्टिलाइज एग जैसे ही जिस दिन आया, उसके 7 से 21 दिन के बाद, उसके 7 से 21 दिन के बाद, 7 से 21 दिन के बाद इसमें से एक निम्फ निकलता है। क्या निकलता है? आफ्टर 7 to 21 डे क्या निकलेगा? फर्टिलाइज एग से क्या निकलेगा? निम्फ निकलेगा। क्या निकलेगा? निम्फ। अब जो एग की, जो एग होंगे ये क्या होंगे? ओवल शेप के होंगे, जो थोड़ा सा ये व्हाइट कलर से थोड़े से पेल होंगे, व्हाइट पेल होंगे, पेल व्हाइट होंगे। या कभी कभी ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं कि जो एग होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। लेकिन जैसे इसके अंदर से निम्फ निकलेगा तो शुरुआती के दौर में ये क्या होंगे? क्रीमी कलर के होंगे। क्या होंगे? क्रीमी, क्रीमी कलर के होंगे। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता रहेगा तो इसका रंग क्या हो जाएगा? फैड होता रहेगा, और फैड होकर क्या बना देते हैं? ब्राउन कलर के बना देते हैं। और इसके अंदर एक पेयर होता है जिसका एनल फिलामेंट होता है, और इसके अंदर क्या होगा? एक पेयर होगा जिसका नाम होगा एनल फिलामेंट, एक पेयर ऑफ तो जैसे फर्टिलाइज एग आया, फर्टिलाइज एग जैसे आया उसके 7 या 21 दिन के बाद
इस एग में से क्या निकल जाएगा, निम्फ बाहर आ जाएगा। अब इस ये निम्फ लगभग 6 से 8 वीक और ये 6 से 8 वीक के बाद जो ये निम्फ है इसके अंदर भी क्या होगी, मेटामोर्फोसिस होगी। और मेटामोर्फोसिस होने के बाद ये एक एडल्ट पाइला पर्पुशिला बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। क्या बनाएगा, एडल्ट पाइला पर्पुशिला, पाइला पर्पुशिला। क्या बनाएगा, एडल्ट पाइला पर्पुशिला बनाएगा। जो एडल्ट पाइला पर्पुशिला होगा ये एकदम मैच्योर हो चुका होगा। इसके इसका भी रंग क्या होगा, थोड़ा सा इसके जो स्ट्रॉ कलर का होगा, भूसा का कलर का होगा। और इसकी जो लंबाई होगी, लेंथ होगी 8 से 10 mm इसकी क्या होगी, लेंथ होगी। तो इसके अंदर जो निम्फ से जब एडल्ट बनता है तो इसके अंदर 5 माउल्ट होते हैं। क्या होते हैं, 5 माउल्ट, MOULT। 5 माउल्ट का मतलब है 5 बार इनके अंदर क्या होगी, मेटामोर्फोसिस होगी। 5 स्टेप है निम्फ और एडल्ट के बीच में, 5 स्टेप है जब जाके ये निम्फ क्या बदलेगा, एडल्ट पाइला पर्पुशिला बनेगा। अब ये एडल्ट पाइला पर्पुशिला निम्फ क्या करते हैं, ये सुगर केन के लिम्फ के ऊपर जाके चले जाते हैं और वो क्या करते हैं, डैमेज करते हैं। अब जो डैमेज वाला चीज होगा वो अब हम डैमेज समझेंगे, वो किस प्रकार क्या करता है, डैमेज। अब हमने इसकी लाइफ साइकिल को भी क्या कर लिया, अध्ययन कर लिया है। अब जो इसकी लाइफ साइकिल के जो 3 स्टेप थे, 3 स्टेपों में इसकी लाइफ साइकिल क्या होती है, कंप्लीट होती है। तो इसकी जो एक जो लाइफ साइकिल है वो लगभग 40 से 60 दिनों में कंप्लीट होती है। तो हम कह सकते हैं कि 1 साल में इसकी 4 जनरेशन हमें देखने को इसकी मिलेगी। तो अब हम इसका क्या कहते हैं, इसके 1 साल में इसकी 4 जनरेशन किसकी देखने को मिलेगी, पाइला पर्पुशिला की देखने को मिलेगी। अब जो इसके अंदर जो मेल पाइला पर्पुशिला होगा, जो फीमेल पाइला पर्पुशिला होगा, इसकी लाइफ स्पैन कितनी होगी, मतलब मेल पाइला पर्पुशिला कितने दिनों तक जीवित रह सकता है। तो जो पाइला, जो मेल पाइला पर्पुशिला है वो 5 से 7 वीक तक इसकी लाइफ है, और जबकि जो फीमेल जो पाइला पर्पुशिला है इसकी जो लाइफ स्पैन है वो कितनी है, 5 से 8 वीक है। तो हमने ये सभी चीजें इसकी लाइफ के बारे में इसको जाना कि इसकी लाइफ, एक लाइफ साइकिल कितने दिन में कंप्लीट होती है। अब हम पढ़ते हैं कि जो इसका जो लाइफ साइकिल कंप्लीट करने का इसका मेन रीजन यही है कि ये कैसे अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाएगा, और ये पॉपुलेशन को बढ़ाकर ये क्या करता है, शुगर केन के ऊपर से अपना न्यूट्रिएंट लेता रहेगा। तो जो इसके लाइफ साइकिल में 3 स्टेप थे, एग लेइंग स्टेप था, और दूसरा स्टेप था निम्फ का, और तीसरा था निम्फ से एडल्ट का बनना, 3 स्टेप थे। तो जो इसके 3 स्टेप में जो हमने देखा कि जो निम्फ है, निम्फ प्लस एडल्ट, ये क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे सेल सैप। कहां से एब्जॉर्ब करेंगे, सेल सैप क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे सेल सैप, एब्जॉर्ब From leaf of sugarcane, जिससे उसके अंदर न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी, उसके पत्ते होंगे, उसके पत्ते क्या हो जाएंगे, पीले पड़ जाएंगे, और उसके अंदर फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। और फोटोसिंथेसिस रुक जाएगी तो इसको जो sugarcane के जो प्रोडक्टिविटी होगी वो भी गिर जाएगी। दूसरा जो इसकी जो एडल्ट स्टेज होती है, पाइला पर्पुशिला की जो एडल्ट स्टेज होती है, वो एक फ्लूइड सीक्रेट करता है। किसके ऊपर सीक्रेट करेगा, जो शुगर केन की लीफ है, शुगर केन की लीफ के ऊपर, मान लो कि शुगर केन की लीफ है, जो शुगर केन की लीफ के ऊपर जो एडल्ट है वो एक फ्लूइड सीक्रेट करता है जिसका नाम होता है हनीड्यू। जिसका नाम क्या होगा, हनीड्यू। ये क्या करता है, लीफ के ऊपर ब्लैकिश एक कवरिंग चढ़ा लेता है, जो लीफ के ऊपर क्या होता है, एक ब्लैकिश एक आवरण हो जाएगा, जिससे फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगी, रिटार्ड हो जाएगी, रुक जाएगी। और फोटोसिंथेसिस रुक जाएगी तो इसके अंदर क्या नहीं बनेगा, फूड नहीं बनेगा। फूड नहीं बनेगा तो हम कहेंगे कि उसके अंदर रस नहीं बनेगा। गन्ने के अंदर क्या नहीं बनेगा, रस नहीं बनेगा। और हमें चाहिए क्या, रस ही चाहिए। जिसके अब इसके अंदर रस नहीं बनेगा तो हमारे लिए वो इतना बेनिफिशियल नहीं रहेगा। तो इस प्रकार इसमें से एक हनीड्यू याद रखना और दूसरा इसमें ये याद रखना है। अब ये जो इसका जो हमारे लिए ये पाइला पर्पुशिला क्या है, नुकसान ही कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर रस नहीं बनने दे रहा है और हमें चाहिए रस ही उसके अंदर बनना चाहिए। अब इसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे उसके बारे में अगर हम तो देखेंगे कि कैसे हम इसको कंट्रोल करेंगे। अब हम पाइला पर्पुशिला के कंट्रोल के बारे में क्या क्या कर सकते हैं। तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं,
हम बेसिकली अब फिजिकल मेथड अपना सकते हैं, केमिकली मेथड मेथड अपना सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी वाले विद्यार्थी बायोटेक्निक की चीज अपना सकते हैं। तो जो हम जो कंट्रोल हम देखते हैं, तो कंट्रोल में हम मेनली तीन चीजें अपना सकते हैं। एक तो हम क्या करते हैं फिजिकली, जो एक क्या हमारा फिजिकली, और दूसरा क्या है केमिकली, और तीसरा क्या हो जाएगा बायोटेक्नोलॉजी। फिजिकली हम कैसे कर सकते हैं, तो हमने देखा कि जो सुगर केन के जो लोअर लीफ सरफेस था वहां पे एग प्रोड्यूस हो रहे हैं और एग की जो संख्या वो भी बहुत ज्यादा है। अब वहां पे हम क्या करते हैं, वहां पे उसको जला देते हैं। ये क्या है, ये लीफ है और लीफ पे यहाँ पे क्या चिपक जा रहे हैं, यहाँ पे लीफ है, यहाँ पे क्या है अंडे की संख्या है, यहाँ पे क्या है अंडे है। इसको क्या कर दो, नीचे से हीट दे दो, नीचे से क्या कर दो जला दो, नीचे से क्या कर दो जला दो, ये जल जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे मर जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे मर जाएंगे। आगे क्या होगा, पाइला परपुसला नहीं फैलेगा, पाइला परपुसला नहीं फैलेगा तो इनकी संख्या कम हो जाएगी, बीमारी रुक जाएगी। दूसरा, अगर हम आग नहीं लगा सकते तो क्या कर सकते हैं, एक फिनाइल वाटर होगा, फिनाइल वाटर का छिड़काव कर दो, क्या कर दो फिनाइल वाटर का छिड़काव कर दो, ये अंडे क्या हो जाएंगे मर जाएंगे। तो फिजिकली में क्या कर सकते हैं, बर्निंग कर सकते हैं और जो फिनाइल वाटर का छिड़काव कर सकते हैं। दूसरा है क्या है केमिकली, केमिकली में क्या करो, केमिकली में 0.25% एंडोसल्फान, जो एंडोसल्फान एक केमिकल होता है उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या रखना है 0.25%, इसका कॉन्सेंट्रेशन से क्या कर दो छिड़काव कर दो, छिड़काव कर दोगे जितने पायलट परपुसला होंगे वो क्या हो जाएंगे मर जाएंगे। अब हम बायोटेक्नोलॉजी वाले विद्यार्थी बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक अपनाएंगे और वो जो प्लांट होगा उस प्लांट को ही ऐसा रेजिस्टेंस बना देंगे जिसके कारण पायला परपुसला वहां पे एग्जिस्ट करेगा ही। अगर पायला परपुसला अगर उसके रस को अगर वो लेता भी है तो उसमें क्या बनेगा, टॉक्सिन बनाएगा। इसको ऐसे समझो कि ये प्लांट है, ये प्लांट क्या प्रोड्यूस करता है, ये प्लांट के अंदर क्या है जो ये है, ये इसके अंदर से रस एब्जॉर्ब करता है पायला परपुसला। अब जो बायोटेक्नोलॉजी वाले होंगे वो इस प्लांट को क्या बना देंगे, रेजिस्टेंस बना देंगे, किसके बना देंगे इसके पायला परपुसिला के। अब जो ये पायला परपुसिला है वो इसके ऊपर अपने फूड के लिए आ रहा है, अपने सेल सैप के लिए आ रहा है, ये क्या करता है इसके सेल सैप को क्या करता है एब्जॉर्ब करता है। अगर प्लांट के अंदर जीनोम के अंदर चेंज कर दे और जीनोम के अंदर चेंज करके उस सेल सैप के अंदर क्या हो जाए टॉक्सिन बना दी जाए, क्या बना दी जाए टॉक्सिन। जब पायला परपुसिला का जब एडल्ट स्टेज या निम्फ जब इसको एब्जॉर्ब करेगी, क्या करेगी एब्जॉर्ब करेगी अपने फूड के लिए, तब सेल सैप के साथ साथ में इसके अंदर टॉक्सिन भी चला जाएगा। जब टॉक्सिन चला जाएगा तो जो जब एब्जॉर्ब करने पायला परपुसिला क्या हो जाएगा डेथ हो जाएगी, पायला परपुसिला क्या हो जाएगी डेथ हो जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे पास पायला परपुसिला की जो संख्या है वो क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। इस प्रकार हम कंट्रोल कर सकते हैं। आज के लेक्चर में बस इतना ही, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।